आज मैं कह रहा हूं कि वो समय चक्र तुम्हारे हिसाब से चलेगा। आज मैं कह रहा हूं कि जहां घड़ी बांधी जाती है वहां पर ये नंबर मात्र लिख देने से आपके अपने जीवन का पूरा समय पक्ष में होगा। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारी शादीशुदा जीवन, तुम्हारा पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन, तुम्हारी निजी लाइफ पूरी तरह से आपके पक्ष में होगी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। यहां प्यार आपके जीवन में किस भी रूप में आ सकता है, उसका साधन बताया जाता है। साधना से साधन, यह यूं कह लो कि साध्य की साधना से साधन संपन्नता का प्रेम सिखाया जाता है। क्योंकि जब प्रेम अनंत हो गया तो समझिएगा कि रोम रोम संत हो गया, यह सत्य है। आज मैं कह रहा हूं कि आपके अपने जीवन में आपकी अपनी घड़ी जहां बांधते हो, बड़े ध्यान से समझिएगा, आपकी नब्ज जहां देखी जाती है, आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी नब्ज और घड़ी बांधने की जगह पर यह नंबर मात्र लिख देने से आपके जीवन में प्यार बढ़ेगा। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में हर तरह के प्यार के समय को आपके अनुकूल बना दिया जाएगा। जब भी जीवन में संकट मुसीबत होते हैं तो लोग कहते हैं भाई समय ठीक नहीं चल रहा, लोग कहते हैं कि भाई समय खराब होना, शायद समय खराब है मेरा। चूंकि मनुष्य बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। क्या बलवान होता है? मनुष्य इंसान नहीं बलि होता, मनुष्य बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन है, वही बाण है, पर गोपिकाओं को कुछ भीलों ने लकड़ी की धनुष से अर्जुन जैसे महा धनुर्धर से छीन लिया। तो कहते हैं इंसान बलि नहीं है, इंसान का कुछ नहीं है, सब समय का लेखा जोखा है। इंसान के जीवन में जो भी कुछ होता है वो समय कराता है। किसी को यश मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, उसके पास धन होगा, वैभव होगा, संपदा होगा, प्रेम होगा, आनंद होगा, विवाह होगा, संपत्ति होगी, बच्चा होगा, धन मिलेगा, नौकरी होगी, व्यापार होगा, जो भी कुछ होगा, ये निर्धारण कौन करेगा? ये निर्धारण भैया समय करेगा। समय चक्र है। जब तुमने देखा होगा महाभारत का काल था, जब महाभारत सीरियल चलता था तो उसमें एक चक्र चलता था, मैं समय हूं, और वो बात करता था। वो दृष्टांत जिन लोगों ने देखा है वो भूल नहीं सकते। नए बच्चों की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा, आज भी इंटरनेट पे अवेलेबल है भाई, आज भी देख सकते हो इसको आप। तो सीधे कहने का संबंध ये कह रहा हूं कि समय ही है जो आपके जीवन में क्या लिखा जाना है, आपको क्या मिलना है, वो समय निर्धारित करता है। हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक सेकंड कुछ कर रहा है। समय को सामान्य नहीं समझा जा सकता, समय बहुत बड़ी वस्तु है, समय बहुत बड़ा काम है, समय से काल और काल से निर्माण बनता है। ये जो 24 घंटे है ना, इस 24 घंटे में एक साल दो बार रिपीट कर लेता है, ये बात आपको नहीं पता होगी। हर घंटे में एक महीना निकल रहा है। ऐसे ही अगर आप देखने जाओगे तो एक घंटे में 60 जो मिनट है ना, वो 12×5=60 है, वो 5 तत्व को रिपीट कर रहे हैं। यानी सब कुछ एक दूसरे के अंदर घूम रहा है और वो घूम घूम के छोटा और बड़ा बन रहा है। थोड़ी गणित लंबी है, समझने में समय लगेगा। 60 मिनट है, फिर 60 सेकंड है, फिर 60 पल है, फिर विकल है, फिर और बहुत महीन महीन तक है। ज्योतिष तो कहती है कि 60 बार उस मिनट को काटा जा सकता है और 60 बार घंटे को बढ़ाया जा सकता है। बहुत स्पष्टता से इस बात को समझें तो जितनी भी गणित है, इस घंटे मिनट सेकंड्स की ही गणित पर पूरा का पूरा सब कुछ चल रहा है। तिथि, पर्व, महीना, दिन, सब इनकी ही कैलकुलेशन पर है।
और वही आपके जीवन में सुख और दुख लेकर के आ रहे हैं। सुख दुख डिप्रेशन मुसीबतें तुम्हारे जीवन में प्यार तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो समय ही निर्धारित कर रहा है। हानि लाभ जीवनु मरनु, हानि लाभ जीवनु मरनु, जस अपयस विधि हाथ। ये छह चीजें परमात्मा ने उस समय के हाथ में रखी है, तो समय चक्र को दे रखा है कि तुम्हें इसको संभालना है। आज मैं कह रहा हूं कि वो समय चक्र तुम्हारे हिसाब से चलेगा। आज मैं कह रहा हूं कि जहां घड़ी बांधी जाती है वहां पर ये नंबर मात्र लिख देने से आपके अपने जीवन का पूरा समय पक्ष में होगा। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारी शादीशुदा जीवन, तुम्हारा पारिवारिक और दाम्पतिक जीवन, तुम्हारी निजी लाइफ पूरी तरह से आपके पक्ष में होगी। बस करना इतना है कि आपके जहां पर घड़ी बांधते हो, अब देखो स्त्री हो या पुरुष दोनों ही बाएं हाथ में बांधते हैं। पहली ये वस्तु ऐसी है जिसको जिसमें राइट और लेफ्ट दोनों के लिए एक ही है। खास बात ये है कि नब्ज देखने के लिए लेफ्ट हैंड ही देखते हैं। इसका बड़ा कारण है कि आपका जो दिल है वो राइट होने के साथ साथ स्पेस में हमेशा लेफ्ट साइड में। इसलिए स्त्री हो या पुरुष दोनों के दोनों वो समय वाली घड़ी अपने बाएं हाथ में बांधते हैं, क्योंकि दिल बाएं होता है। हर चीज के पीछे विज्ञान है, साइंस है, और उसके पीछे रिसर्च है, रिसर्च के पीछे वेद है, वेद से ही तो विज्ञान है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, तुम रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, मैं क्या कहता हूं कि तुम उस समय के साथ डील करना सीख लो। मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं कि तुम समय के साथ डील करना सीख लो, तुम उस समय को धोखा देना सीख लो। जिस सेकंड्स में तुम्हें रोना लिखा था उस सेकंड्स में एक बार हंस के तो देखो, वो पूरा का पूरा चक्र अपने आप घूम जाएगा और तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसे ये लगेगा कि भाई वो पैरामीटर्स मैच नहीं कर रहे हैं, ये खुशी वाला टाइम है इसलिए तो ये मुस्कुरा रहा है, तो पलट के आपको वही वापस आ जाएगा। जब आप बड़ी सी फाइल में कोई चीज सर्च करते हो तो वही चीज सामने उठ करके आ जाती है जो आप सर्च कर रहे होते हो, और तुम दुख और मुसीबत और रोना, परेशान होना, दुखी होना, निगेटिव होना सर्च करते रहते हो, तो तुम्हें वही मिल रहा है। अपने सर्च बार में क्या सर्च करो, अपने सर्च बार में खुशियां सर्च करो भाई। पानी पीना, सुंदर बनना, बेहतर बनना, अच्छे रहना, पॉजिटिव रहना, ये सब सर्च करो ना। तुम्हारे जीवन के कंप्यूटर में, तुम्हारी लाइफ के निर्माण की व्यवस्थाओं में वो चीजें सामने आएंगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब करना ये है कि तुम्हारी घड़ी बांधने वाली जो कलाई है लेफ्ट वाली, इस कलाई के ऊपर आपको 79 लिखना है। अंक ज्योतिष में 79 बहुत बड़ा नंबर है और ये बड़ा चमत्कारी नंबर है। इस नंबर को आप लिखेंगे कैसे, बस ये महत्वपूर्ण है। इस नंबर को लिखने के लिए आपको गंगा जल और तुलसी के बीज पिसे हुए, बहुत थोड़ी सी हल्दी, हल्का सा शहद, और पांचवी चीज सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे आसानी से अवेलेबल आपके घर पे भी मिलती है, अगर संभव हो सके तो इसको बिल्कुल ताजा इस्तेमाल करिएगा। नहीं संभव हो तो वैसे कोई भी मिले, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, क्योंकि समय को इससे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये पांचवी वस्तु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका सीधा कनेक्शन समय के साथ है, और इतना ही नहीं ये अपने आप में समय निर्माण करने का काम करती है। समय का जागरण इससे होता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक्चुअल और वास्तविक समय के आकार को, वास्तविक समय को समझने वाली व्यवस्था को हम सूर्य से समझते हैं। सूर्य ही है जिससे समय का एक्चुअल कैलकुलेशन होता है। विदेश में कई देश ऐसे हैं जो सूर्य की वजह से घड़ी आगे पीछे की जाती है, सूर्य को देख के और मौसम को देख के,
तो सूर्य की वो कौन सी वस्तु आपको इसमें मिला देनी है? सूर्य का धान्य होता है गेहूं, आप गेहूं या थोड़ा सा आटा इसमें डाल सकते हो। ताजा मैंने इसलिए कहा, जूठा वाला जो आपने पहले इस्तेमाल कर रखा हो ऐसा कुछ ना इस्तेमाल करें। अगर गेहूं से त्वरित निकाल के कर सकते होंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आप कोई नया पैकेट ला करके उसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी वो घर में इस्तेमाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रसाद बचेगा। इन सब चीजों को लेप बनाएं, खूब अच्छे से मिक्स करें, बहुत ज्यादा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालिएगा, क्योंकि जल रहेगा तो आप अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। और अपनी इन तीन उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए पूरे की पूरी कलाई में चारों तरफ घड़ी की तरह एक पट्टा बना लेना है। और ये काम कब करना है? ये काम करना है आपको सूर्यास्त, जब सूर्य लाल हो जाए सायंकालीन उस समय, और सुबह जब बिल्कुल लाल लाल सूर्य निकल रहा हो उस समय आपको तुलना है। बस इतना सा करना है, और ये करते समय आपको बोलना है ओम घृण सूर्याय नमः, ऐसा बोल करके इसको लेप लगा लीजिए, और अपने मन में, अपने दिल में, अपने हृदय में उस प्रेम का उच्चारण करिएगा, उसको याद करिएगा, जो भी आपकी इच्छा मनसा है उसको बोलिएगा। ऐसा करने से आपका काम त्वरित 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 होगा, अभी के अभी, ये वाली लाइन याद रखिएगा। ये कभी भी कर सकते हो, किसी भी दिन कर सकते हो, समय आपको पता है, सूर्य लाल हो तब करना है, सूर्य लाल हो तब धोना है, दोनों में थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस काम में सबसे ज्यादा आवश्यक है सूर्य का लाल रहना, तो इसमें बिल्कुल कोताही मत करिएगा, खूब अच्छे से इसको मन से श्रद्धा से करना, आगे पीछे करने से नुकसान होता है और कम फायदा होता है। मन से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, दिन कोई भी होगा चलेगा। सूर्यवार सबसे ताकतवर होगा, शनिवार नहीं करिएगा, बाकी दिन कभी भी कर सकते हैं। शनिवार और मंगलवार थोड़ा सा अवॉइड करते हैं इसको, बाकी कभी भी कर सकते हैं। तो आप खूब मन से करें, खूब श्रद्धा से करें, खूब विश्वास से करें, अपने इष्ट का ध्यान रखिएगा, गुरु का आदेश लीजिएगा, गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास रखिएगा, गुरु ही है जो तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठ करेगा। अपना ख्याल रखो, भगवान शिव तुम्हें हर मनोरथ की सिद्धि कराए। खूब पानी पीना, मुस्कुराना, सुंदर बनना, अच्छा बनने की कोशिश करना और बेहतर रहते रहना। मुस्कुराओ, सुंदर बनो, पानी पियो और अपना खूब ध्यान रखना, पॉजिटिव रहने की कोशिश करना। मैं हूं तुम्हारे साथ, छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन ख्यालों में, विचारों में, भगदंडियों में, उन कंदराओं में, उन गलियों में, उन नगरों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय। शिव भक्त, आत्मज्ञानी, परम पूज्य आचार्य सतीश सदगुरु नाथ जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 9 दिवसीय श्री बृहस्पति शिव महापुराण कथा का आयोजन 16 दिसंबर से 24 दिसंबर को होने जा रहा है। 125 करोड़ शिवलिंग निर्माण, यज्ञ एवं शिव महापुराण, 51 विद्वान पंडितों के द्वारा विशाल 125 करोड़ शिवलिंग निर्माण, महाभिषेक यज्ञ। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ, मुख्य छतरपुर रोड, ब्लॉक A1, डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी, छतरपुर, नई दिल्ली।